हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे कुछ धुले हुए कपड़े रखे थे, मैं उसे फोल्ड कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं थे कपड़े, हाथ के धुले हुए थे, तो मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और इसको रैक में रख दूँगी। तो मेरे कपड़े यहाँ पे फोल्ड हो गए हैं, ज़्यादा नहीं थे, बस 4-6 थे। उसको मैंने फोल्ड कर लिया और रैक में रख देते हैं इसको। गुड़िया जब सुबह नहाई थी तो मैंने उसके लिए कपड़े निकाले थे, लेकिन उसको नहीं पहनना था। उसके मन का नहीं हुआ तो बोली मैं इसे नहीं पहनूंगी, तो वो भी खोल के रख दी थी। जो फोल्ड किया हुआ रखा था ये लाल वाला, तो उसको भी खोल दी थी वो, फिर पहनी भी नहीं, दूसरा पहनी है। तो इसको भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। बच्चे ऐसे ही करते हैं, हम कपड़े निकाल के तो रख देते हैं पहनने के लिए, लेकिन उनके मन का नहीं होता है तो फिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैंने बाल भी धुला है। मैं मेहंदी लगाऊंगी कल। मेहंदी मैं ये वाली मंगाई हूँ, ये मारवाड़ी मेहंदी है। 250 रुपये इसका रेट है, ये हमें 200 में मिला है। ये मैंने बाउल मंगाया है बोरोसिल का। और इसमें दो बाउल है, ये इसका ढक्कन है, ये छोटा वाला बाउल है, ये बड़ा वाला बाउल है, इसका ढक्कन ये है। ये दो का सेट है और इसका रेट है 825 रुपए। ये हमें मिला है 500 कुछ रुपए में। ये बाउल बोरोसिल कंपनी की है। ये लोग मेरे बगल में, मेरे बच्चे बैठे हैं और बीच बीच में हंसा भी रहे हैं। तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कांच की कटोरियां हैं, लेकिन पर इतने बड़े नहीं थे कि हम उसमें कुछ घोल सकें, जैसे बेसन वगैरह घोलते हैं या कुछ बनाते हैं, तो उतने बड़े नहीं थे। ये वाले अच्छे हैं। राजस्थान की मेहंदी बहुत फेमस है। अब इसको लगा के हम देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है। मैं इसे कल लगाऊंगी, फिर देखूंगी। अब मैं चलती हूँ किचन में और कर लेती हूँ खाने की तैयारी। सब्जी में आज बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी, आलू और टमाटर। अभी शाम के 7 बजे हैं, तो मैं यहाँ पे खाना डेली शाम को जल्दी बना लेती हूँ। घर में रहते हैं तो खा लेते हैं जल्दी। मेरे यहाँ खाना जल्दी, जितना जल्दी शाम को बन जाता है उतना जल्दी ये खा लेते हैं। उसके बाद फिर देखो बेटा, दूध ड्यूटी ले लो। शाम वाली जाते हैं ये, तो मैं इसलिए जल्दी से खाना बना रही हूँ। गुड़िया यहाँ दूध लेके आ गए। गुड़िया वीडियो में आने के लिए बहुत शर्माती है, बड़ी मुश्किल से अभी 2 दिन से आना शुरू की है। अदरक और लहसुन मिर्ची, अदरक और लहसुन को मैंने कद्दूकस पे कस लिया है। यहाँ पे जीरा लाल हो गया है और मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक जो कि मैंने कस के रखा हुआ था। जब ये लाल हो जाएगा तब मैं इसमें सब्जियाँ डाल दूंगी। और मैं शाम को अधिकतर मसालेदार सब्जी बनाती हूँ, जो कि मैं कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में जल्दी भी हो जाता है और थोड़ा गैस की भी बचत हो जाती है। हम थोड़ा थोड़ा अगर कोई किसी भी चीज़ की बचत करेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा लहसुन अदरक भून चुका है, तो मैं इसमें डाल दूँगी सब्जियाँ। सब्जियाँ मैं सारी इकट्ठी ही डालूँगी, पत्ता गोभी
आलू और टमाटर इन सबको इकट्ठे ही डाल के 2 मिनट तक भून लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी मसाले। मसाला तो मैं हर सब्ज़ी में वही डालती हूँ जो कि आप लोग देख चुके हैं। हल्दी, धनिया, गरम मसाला थोड़ा सा रहता है सब्जी मसाला। यहाँ पे मैं थोड़ा ही पानी डालूँगी। पत्ता गोभी ज़्यादा पानी नहीं पीती है तो नमक मैं मसाले के साथ में ही डाल दिया था। यहाँ पे ढक्कन लगा दूँगी और 2 सीटी लगा दूँगी। उधर दूध भी मेरा उबल गया है, ऊपर 2 सीटी आ गई है। अभी 1 सीटी कर देंगे, दूध वाला गैस भी बंद कर देंगे, इधर कुकर का भी बंद कर देंगे। तो इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। इधर मैं बच्चों के लिए खाना निकाल देती हूँ। गुड़िया आ गई है सलाद रखने के लिए। बोलती मम्मी आप सलाद अच्छे से सजा के नहीं रखती हूँ। और मैं रोटी में घी लगाने लगी, उधर गुड़िया सलाद रख रही है। तो आप लोग भी खा लीजिए। मेरी गुड़िया शर्माती बहुत है, बड़ी मुश्किल से 2 दिन से वीडियो में आ रही है। यहाँ पे मेरा खाना बन गया है और बच्चे खा भी रहे हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।